Hello everyone, I'm Neetu Gallant. Today my topic about O-level career opportunity. Means हम O-level करने के बाद किस किस चीज़ में अपना करियर बना सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें प्रोग्रामर असिस्टेंट, सेकेंड है जूनियर प्रोग्रामर, थर्ड है कंसोल ऑपरेटर, थर्ड है EDP असिस्टेंट और फिफ्थ डाटा एंट्री ऑपरेटर. इस तरीके से हम O-level करने के बाद काफ़ी सारे फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं और अपना अच्छा करियर बना सकते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं कि ओ लेवल किया कैसे जाता है, कैसे कर सकते हैं. तो ओ लेवल करने का प्रोसीजर क्या होता है, ओ लेवल किसके थ्रू किया जाता है, ये किया जाता है नीलिट के द्वारा. नीलिट क्या कराता है कि भाई इसके दो सेमेस्टर सिस्टम की तरह होता है, एक जनवरी में पेपर लेते हैं और एक ये जुलाई में पेपर लेते हैं. जनवरी में जो ओ लेवल है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताए भी इसमें कितने पेपर होते हैं, कैसे इसके पेपर किए जाते हैं, वो सब प्रोसीजर मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया. आप उस पिछली वीडियो को देख सकते हैं. तो क्या होता है, जनवरी और जुलाई में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है नीलिट में. नीलिट में कितने साल के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है. मीन्स आप पेपर देते हो, फेल हो जाते हो, उसके बाद नेक्स्ट टाइम देते हो, कि मीन्स आप 5 साल में क्लियर आउट कर सकते हो सारे पेपर. कहने का मतलब ये है. और आपकी मर्ज़ी, आप इसको 6 मंथ में भी क्लियर आउट कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क. और क्या होता है इसमें कि कैसे प्रोसीजर है, कैसे क्या करना है. वो लेवल के करने के दो मीडियम होते हैं, एक आप डायरेक्ट कर सकते हो और एक कर सकते हो किसी इंस्टीट्यूट से. डायरेक्ट में क्या है, आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, खुद के हार्ड वर्क से आपको सक्सेस होना पड़ेगा. इंस्टीट्यूट में क्या है, इंस्टीट्यूट वाले आपका खुद का रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उस इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हो जो नीलिट से एफिलेटेड होगा, जिसको नीलिट की मान्यता प्राप्त होगी, उस इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हो. सिर्फ इंस्टीट्यूट का क्या फ़ायदा है, आप इंस्टीट्यूट से ओ लेवल करते हो तो आपको क्या होता है, जैसे आपने एग्ज़ाम भरे कि मैंने 4 एग्ज़ाम देने हैं जुलाई में, और आप जुलाई के जुलाई में चारों क्लियर कर देते हो, या आपने जुलाई में भरा कि मैंने 2 देने हैं और 2 क्लियर करते हो, तो उसके लिए नीलिट क्या करता है, आपको एक स्कॉलरशिप देता है. जो स्कॉलरशिप जो आप जितने एग्ज़ाम के लिए आप फिल करते हो फॉर्म कि मैंने 2 देने हैं, 2 के 2 क्लियर आउट कर देते हो, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी. लेकिन डायरेक्ट में ऐसा नहीं है, डायरेक्ट में आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो. लाइक एंड सब्सक्राइब.